प्रदेश सरकार की तरफ से मेरा पानी मेरी विरासत है की योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रदेश के कुछ ब्लॉक में धान बोने को लेकर सरकार की तरफ से कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री जे पी दलाल साहब मौजूद है। दलाल साहब, आपने इस योजना की शुरुआत तो कर दी, लेकिन प्रदेश भर में कई जगहों पर किसान विरोध कर रहे हैं। कल तस्वीरें आपने देखी, प्रदेश के जिन जिन ब्लॉक में आपने धान बोने को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं वहाँ पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। अगर योजना इतनी ही अच्छी है तो किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, हरियाणा का किसान जागरूक है और वो खुद भी समझता है कि इस साल धान बोने में बहुत समस्या आने वाली है। लेबर की समस्या है, धान में पानी भी ज़्यादा चाहिए, और जहाँ पानी ज़्यादा चला गया, हमने 8 ब्लॉक ऐसे छटनी की थी कि जहाँ भूजल बहुत नीचे चला गया, और किसानों से हमने प्रार्थना की कि आप जो है दूसरी जो फसल कोई बोइए, बागवानी कर लीजिए, मक्का कर लीजिए, कपास कर लीजिए, सब्जियां कर लीजिए, दालें कर लीजिए, और उसके लिए हमने उनको प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की, 7,000 रुपये एकड़ की प्रोत्साहन राशि देंगे। किसान इन ब्लॉक में धान की फसल बोते हैं तो किसान को क्या नुकसान होंगे प्रदेश सरकार की तरफ से? प्रदेश सरकार क्या कदम उठाएगी? दूसरा एक कन्फ्यूजन ये भी है, कल डिप्टी सीएम ने कहा है कि जो पंचायती जमीन है उसी पर धान नहीं बो सकते, ये कन्फ्यूजन क्या है, थोड़ा स्पष्ट कर? मुझे उनके बयान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पंचायत के तो हमने जो 18-19 ब्लॉक में हमने कहा है कि भाई पंचायत का जो ज़मीन है उसमें जो बोली कराएं उसमें ये कह दें कि इसमें धान के अलावा कि बोली दाता कुछ भी लगा सकता है, तो उससे जो है किसी किसान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरी चीज़, किसानों के लिए भी जो मक्का लगाएगा, जो और गन्ना लगाएगा, जो बागवानी लगाएगा, हम ड्रिप पे 85% सब्सिडी दे रहे हैं, 7,000 रुपये प्रति एकड़ के उसके खाते में डाल रहे हैं, और उससे प्रोत्साहित कर रहे हैं, हमारे उनके डेमोस्ट्रेशन के फार्म बनवाएंगे हर एक ब्लॉक में। आखिर में ये तो किसान समझता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ पानी या उपजाऊ धरती छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा। हमारी कोई पार्टी का फैसला नहीं है, जनहितैषी फैसला है, कोई ये सरकार का इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जो सरकार की योजना है, चाहे फसल खरीद हो, दूसरी योजनाएं हों, उनका फ़ायदा किसानों को नहीं मिलेगा इन ब्लॉक में अगर किसान नहीं मानते? नहीं, किसान ने अगर हमारी नहीं मानेगा तो उसको हमारे उससे हमारे जो सरकार की नीति है का उसका लाभ नहीं मिलेगा उसको। बिल्कुल, दलाल साहब का यही कहना है कि मेरा पानी मेरी विरासत जो ये योजना है भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। वहीं फसल खरीद के पैसों को लेकर दलाल साहब का कहना है कि 9,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जा चुका है, जो बाकी जो पेमेंट है वो जल्दी ही किसानों के खातों में चली जाएगी।